बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान चौक के बारे में मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँगा, और ताकि आप लोग सब अपडेटेड रहें पाकिस्तान चौक पे। इस वक्त आज मैं 14 अगस्त को आया हूँ, लेकिन आज भी यहाँ पे काम हो रहा है। अगर आप इस साइड पे देखें तो ये खुदाई हो गई है और मेन सीवरेज लाइन भी इसकी जो सर्कल में आती है वो भी इसमें डाली जा रही है। और इसके जो फ्लैग फाउंडेशन है, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, जूम इन करूं, तो ये इसका फाउंडेशन जो है ये भी बनते जा रहा है। फाउंडेशन तो ऑलमोस्ट बन गई है, ऊपर से भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। और इस फ्लैग की जो ऊंचाई है ये 220 फुट होगी इस फ्लैग की, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और ऊंचा फ्लैग होगा। और इसके जो इतराफ पे हैं, जो ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे इसकी कमर्शियल होंगी, बिल्डिंग्स होंगी बहुत बड़ी। और इस वजह से ये जो सेक्टर्स हैं, इसके साथ जो कनेक्टेड सेक्टर्स हैं, क्यू हो गया, UXY&T, ये इन सब की कीमतों में राइज भी आया है और मज़ीद भी राइज आएगा। और इस जगह को ये कनेक्ट कर रहे हैं शाह रुकने आलम मेन गेट, जो कि कादिरपुर राम बाईपास पे है, तो उसमें भी इंशाल्लाह जो लैंड है एक्वायर हो चुकी है, बहुत जल्द उस पे काम जोर शोर से शुरू हो रहा है। तो विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह उस पे भी NLC को इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। जो 3.5 किलोमीटर का जो रोड है, जो कि मेन बुलेवर्ड होगा, जो कि कादरपुर रामा से स्टार्ट होगा और पाकिस्तान चौक में ख़त्म होगा, जो कि DHA को कनेक्ट करेगा मोटरवे के साथ। तो ये अपडेट्स हैं, मैंने कहा आपको थोड़ा सा आगाह भी करूं, क्योंकि लोगों की पुरजोर फरमाइश भी आ रही है। और ये देखें, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेन सीवरेज लाइन को कनेक्ट करेंगे, ये मशीनरी आप देख रहे हैं ये लगी हुई है। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली आ सके और मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को सबको। मेरे पास ड्रोन तो है नहीं जो मैं यहाँ से ड्रोन के ज़रिए वो कर सकूँ, लेकिन ये मैं एक साइड पे खड़ा हूँ। आप ये समझिए कि ये हर साइड ही ऐसी है जिस पे ये काम हो रहा है। ये देखें, ये रोड का भी काम शुरू हो गया है, जो कि इसके बिल्कुल सर्कल में रोड बनेगी और इसके आसपास बिल्कुल कमर्शियल एरियाज होंगे। और तो मैंने कहा आज आपको इस बारे में थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी आप अपडेट रखें, इसलिए मैंने मुनासिब समझा। तो अब तो आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप सबको जश्न आज़ादी भी मुबारक हो हमारी तरफ से, DHA की तरफ से, DHA मुल्तान की तरफ से। थैंक यू सो मच।